नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला या मुक़ल्लिबल क़ुलूबी सब्बत क़ल्बी अला दीनिक आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हाना व तआला की तौफ़ीक़ और अल्लाह तआला की रहमत के साथ हम अपने लेसन सूरत अल बकरा की आयत नंबर 85 का आगाज़ करेंगे, इस नियत के साथ कि अल्लाह सुब्हाना व तआला इसे हमारे लिए पढ़ना, इस पर अमल करना और अमल के साथ इसे दूसरों तक पहुंचाना आसान कर दें। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारी कोशिशों को, हमारी मेहनतों को हमसे कबूल फ़रमाएँ और इस काम को हमारे लिए, हमारे वालिदैन के लिए, हमारे उस्ताज़ कराम के लिए और सबसे बढ़कर मेरी और आपकी आखरत के लिए बेहतरीन सदका जारिया बना दें, आमीन। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाह खैर। सबसे पहले हम अपनी पिछले लेसन की आयत को देख लेते हैं, जो हमने पहले लेसन पढ़ा था उस आयत का। उन तमाम तर चीज़ों को समझने में हमें आसानी हो जाए कि इनका आपस में रब्त क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं। आयत नंबर 84 में हमने क्या पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने फरमाया था, और जब हमने तुमसे पुख्ता अहद लिया था कि तुम अपनों का खून ना बहाओगे और ना अपने आप को अपने घरों से निकालोगे, फिर तुमने इकरार किया और तुम खुद इस पर गवाही देते हो। पिछले लेसन में हमने पुख्ता अहद की भी बात की, फिर हमने अपनों के खून बहाने पर भी बात की, फिर हमने वादे पर, इकरार पर भी बात की। अब आज की आयत में देखते हैं कि इन तमाम तर अहकामात के साथ आज के लेसन में कौन से हमारे लिए पॉइंट्स हैं कि जिस पर गौर व फिक्र के साथ हमने इन चीज़ों को समझना है। अल्लाह सुब्हाना व तआला आयत नंबर 85 में फरमा रहे हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما तामलून। तर्जुमा देख लें। फिर तुम वही हो कि अपनों को कत्ल भी कर देते हो और अपने में से बाज़ लोगों पर गुनाह और जुल्म से चढ़ाई करके इन्हें वतन से निकाल भी देते हो, और अगर वो तुम्हारे पास कैद होकर आए तो बदला देकर उनको छुड़ा भी लेते हो, हालांकि इनका निकाल देना ही तुमको हराम था। ये क्या बात है कि तुम किताबे अल्लाह के बाज़ अहकामात को तो मानते हो और बाज़ से इनकार किए देते हो, तो जो तुम में से ऐसी हरकत करें इनकी सज़ा इसके सिवा और क्या हो सकती है कि दुनिया की ज़िंदगी में तो रुसवाई हो और क़यामत के दिन सख्त से सख्त अजाब में डाल दिए जाएं, और जो काम तुम करते हो अल्लाह इनसे गाफिल नहीं। बहुत ही काबिल गौर आयत है। अहकामात तो बनी इसराइल के लिए, यहूदियों के लिए हैं, लेकिन हमारे लिए यहाँ पर गौर व फिक्र की बहुत सी बात है। ऐसे लगता है जैसे हमारी बात हो रही हो। यहाँ पर तज़किया भी करेंगे और कुछ सवाल भी करेंगे। यहाँ पर जो अल्लाह ताला ने कहा कि फिर तुम तो वो लोग हो कि अपने आप को कत्ल करते हो और अपनों में से गिरोह को इनके घरों से भी निकालते हो, इसकी वजाहत क्या है कि अल्लाह ताला ने यहूद मदीना को मुखातिब किया था कि तुम पर यह फ़र्ज़ किया गया था कि तुम अपनों का खून ना बहाओगे और ना अपनों को घरों से निकालोगे, और तुम एक दूसरे को कत्ल करते हो, एक दूसरे को घरों से निकालते हो। तो अल्लाह ताला के दोनों अहकामात की यहाँ पर ख़िलाफ़ वर्जी नज़र आ रही है कि ख़िलाफ़ वर्जी कैसा, यानी कि ये तुम लोगों का कैसा ईमान है और कैसा तर्ज़ अमल है। फिर यानी आगे देखें, गुनाह और ज़्यादती में इनके ख़िलाफ़ एक दूसरे की मदद भी करते हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहूद के तर्ज़ अमल को यहाँ पर साफ़ और वाज़ेहा किया कि ये एक दूसरे के साथ कितने मुखलिस हैं, गुनाह और जुल्म के साथ एक दूसरे के ख़िलाफ़ दूसरों की मदद करते हैं। ये मदद कभी कत्ल की सूरत में, कभी घर-बार और कारोबार लूटने की सूरत में इनकी सामने आती थी। फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने फरमाया कि और अगर वो तुम्हारे पास कैद होकर आए तो तुम इनको फिदिया देते हो, हालांकि इन्हें निकालना तुम पर हराम किया गया था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि कत्लो गारत गिरी, लूट मार के बाद यानी कि जंग ख़त्म हो जाती है तो एक दूसरे के जो लोग जंगी कैदी बनाते हो इनको फ़िदिया देकर आज़ाद करवाते हो, हालांकि इनको घरों से निकालना तुम पर हराम था। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, तो क्या तुम किताब के कुछ हिस्से पर ईमान लाते हो और कुछ हिस्से का कुफ़र करते हो? यहूद किताब के एक हिस्से पर ईमान लाकर दूसरे से कुफ़र कैसे करते थे? तो लिखें, यहूद किताब के बाज़ हिस्सों पर ईमान लाते थे, यानी कुछ अहकामात पर अमल करते थे जिससे उनको फ़ायदे नज़र आते थे, और कुछ हिस्सों को कोई अहमियत नहीं देते थे। जो काम दीन में मुश्किल लगता था उस पर अमल ही नहीं करते थे। मसलन कत्ल, एक दूसरे को घरों से निकालना, एक दूसरे के ख़िलाफ़ मदद करना, इनकी शरीयत में हराम था। इन कामों का उन्होंने खुल्लम खुल्ला यानी कि खुला आम इर्तकाब किया और फ़िदिये देकर छुड़वा लेने के हुक्म पर अमल किया। हालांकि अगर वो पहले अहकामात को मानते तो फ़िदिया देकर छुड़वाने की नौबत ही ना आती। फिर नंबर 2 कि ईमान इसका तकाजा करता है कि अल्लाह ताला के तमाम अहकामात पर अमल किया जाए और जिससे इसको रुकने का हुक्म दिया हुआ हो उससे रुक जाए। हाफिज़ इब्ने कसीर लिखते हैं कि यहूद के इस अमल की वजह से तौरात का जो हुक्म अपनी ख्वाहिश के मुताबिक पाया यहाँ पर बयान किया और जिसे चाहा छुपा दिया, मनमर्जियाँ की उन्होंने। तौरात और इसमें मौजूद अहकाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत और हिजरत से मुतल्लिक़ ख़बरों के बारे में भी इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, तो जो तुम में से ऐसा करता है दुनिया की ज़िंदगी में रुसवाई के मासिवा इसकी और क्या जज़ा हो सकती है, और क़यामत के दिन वो सख्त तरीन अजाब की तरफ फेर दिए जाएंगे। अल्लाह ताला ने शरीयत के किसी हुक्म पर ईमान लाने, किसी से कुफ़र करने की यहूदियों को सज़ा दी, इन्हें रुसवा किया गया। इनमें से किसी को कत्ल किया गया, किसी को ग़ुलाम बना लिया गया, किसी को जलावतन किया गया। अल्लाह ताला ने अपने रसूल को ग़लबा अता फरमाया जो इनके लिए दुनिया में रुसवाई थी। वो अपनी 9 आबादियों से महरूम हुए, इनका नखलस्तान छिन गए, बस्तियां नज़र आतिश कर दी गईं और क़यामत के दिन का अज़ाब दुनिया के अज़ाब से बढ़कर होगा। यहाँ पर कुछ सवाल हैं, उन पर गौर करें कि शरीयत के किसी हुक्म को मान लेने और किसी को नज़रअंदाज करने की क्या सज़ा है? तो जवाब लिखें, इसकी सज़ा दुनिया में ज़िल्लत है और रुसवाई है और आखिरत में दर्दनाक अज़ाब है। फिर एक और बात कि आज मुसलमानों की दुनिया में ज़िल्लत और रुसवाई का सबब क्या है? आज इस दुनिया में हम अपने आसपास गौर करें तो मुसलमान हमें पिसते हुए नज़र क्यों आते हैं, ज़िल्लत में हमें क्यों नज़र आते हैं? तो लिखें, आज मुसलमानों की दुनिया में ज़िल्लत और रुसवाई का सबब अल्लाह ताला के कुछ अहकामात को मान लेना और कुछ पर अमल करना छोड़ देना है। यानी अपनी मन मर्जियों का दीन अपनाना, ऐसा अमल हमने नहीं करना। फिर अल्लाह ताला के यहाँ कौन सा अमल काबिल कबूल है, तो लिखें अल्लाह ताला के यहाँ वो अमल काबिल कबूल है जिसमें अल्लाह ताला की मुकम्मल अतात की जाए। और यहाँ पर देखें कि अल्लाह ताला इस आयत के लास्ट में क्या फरमा रहे हैं, वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून। इससे कहकर उम्मत मुस्लिमा को भी शऊर दिलाया गया, शऊर को बेदार किया गया कि अल्लाह ताला इससे गाफिल नहीं जो तुम अमल करते हो। ये कहकर इंसान को बेदार किया गया है, ये कहकर मुझे और आपको झंझोड़ा गया है, ये कहकर मुझे और आपको जगाया गया है कि तुम्हारे आमाल अल्लाह ताला की नज़रों में हैं, इसलिए इनकी जवाबदेही और अंजाम से तुम बच नहीं सकते। अभी वक्त है, अभी समझ जाओ। इंसान को जब ये एहसास होता है कि इसका काम किसी के मुशाहदे में है तो वो काम के बारे में मोहतियात हो जाता है, अलर्ट हो जाता है, संभल कर चलता है। अल्लाह ताला ने इंसान को मोहतियात और इसका शऊर को पैदा किया है। आज भी हम देखें जहाँ पर कैमरे लगे हुए होंगे वहाँ पर हम संभल कर काम करेंगे, वहाँ पर हम संभल के बैठेंगे, संभल के उठेंगे, वहाँ पर हमारे रंग ढंग ही और हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता होता है कि कैमरे की आंख हमें देख रही है। आज के इस दौर में हम कैमरे की आंख से तो डरते हैं, लेकिन हम अल्लाह सुब्हाना व तआला से नहीं डरते। इस आयत में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उम्मत मुस्लिमा को भी झंझोड़ा है कि उठो, संभलो, गौर फिक्र करो, तदब्बर करो, तज़किया करो। क्यों? क्योंकि तुम मेरी नज़र में हो। वमल्लाहु बेगाफिल नम्मा तामलून, कि अल्लाह ताला इससे गाफिल नहीं है जो तुम करते हो। तुम अपनी मन मर्जियों के दीन अपनाओगे, तुम अपनी मन मर्जियों के जब जी चाहा अपनी मर्जी के काम करोगे और कहोगे कि नहीं अल्लाह ताला तो मुझे मुआफ़ कर देंगे। बेशक अल्लाह ताला हमें मुआफ़ कर देंगे, लेकिन जब हम इन आयात पर गौर व फिक्र करते हैं ना तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए, हमें फोकस्ड हो जाना चाहिए। किस हवाले से? इस हवाले से कि मैं और आप अल्लाह की नज़र में हैं। हम अल्लाह ताला को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। हम जो भी काम कर रहे हैं वो अल्लाह के इल्म में है, वो हमारे नामा अमाल में लिखा जा रहा है, हम इससे बच नहीं सकते। इसलिए कोशिश करें कि जहाँ तक हो सके अपनी इस्लाह करें और तदब्बर करें और अपनी ज़िंदगी में मामलात को बेहतरीन तरीके से कुरान और सुन्नत के साथ लेकर चलें। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें कुरान को समझने वाला, इस पर गौर व फिक्र करने वाला और गौर व फिक्र के साथ इसे दूसरों तक पहुँचाने वालों में फरमाए आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और तमाम हमारे प्यारे सिस्टर्स जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। कमेंट बॉक्स में जाकर हमें अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। उससे क्या होता है कि हमारे पीछे जितनी भी टीम होती है उसको बहुत खुशी होती है, काम करने में आसानी होती है और इससे हम खुद भी मोटिवेट होते हैं काम को लेके, चीज़ों को लेके। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए आमीन।